शिकायत ये है कि पटना नगर निगम का कोई अधिकारी उसमें शामिल नहीं होता है, गुंडे शामिल होते हैं। नहीं, अधिकारी कोई शामिल इसमें नहीं है, सब उसमें गुंडा तत्काल। लाइसेंस बना है, कोई काम के लाइसेंस नहीं। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ, कोई काम के नहीं, कोई काम का लाइसेंस। वो निगम वाला मेरे दुकान खोलने के लिए 10,000 रुपया दिया है लो बिजनेस करके, और मेरे पैसा चुकता कर देना। वो धीरे धीरे पैसा कैसे करके बैंक वाला पैसा अपना चुकता हम कर रहे हैं, पेट काटने एक टाइम खा रहे एक टाइम भूखे रह रहे हैं। अभी देखिए दुकान में अपना भात और रोटी बनाकर नमक रोटी खा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, पटना नगर निगम की गुंडागर्दी जो है हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार पटना नगर निगम गरीबों को सताती है, उनके रोजी रोटी को कूड़े के भाव में फेंक देती है। देखिए, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी कि किस प्रकार जेसीबी आता है और जेसीबी से 4-5 आदमी निकलते हैं, और किस प्रकार जो गरीब चौराहे पर रोजी रोटी की दुकान खोले हुए हैं, रोजी रोटी के लिए कोई चादर का दुकान खोले हुआ है तो कोई चाय की टपरी खोले हुआ है, उन सभी दुकानों को किस प्रकार पटना नगर निगम के जो गुंडे हैं वह किस प्रकार उठाते हैं और जेसीबी में रख देते हैं, और फिर छीना झपटी का खेल चलता है। दुकानदार मन्नत मांगते रहते हैं, उनसे गिरगिराते रहते हैं कि आप मेरा सामान वापस कर दीजिए, और उसके बाद यह खेल निरंतर चलता है। देखिए, दुकानदारों का कहना है कि पटना नगर निगम का कोई अधिकारी जो है उनके साथ मौजूद नहीं होता है, कुछ लोगों को भेज दिया जाता है और उसके बाद यह खेल चलता रहता है, फिर दुकानें भी लग जाती हैं और फिर कुछ पैसे लेकर जो है पटना नगर निगम के जो गुंडे होते हैं वह चल देते हैं। देखिए, वहाँ पर भी चौराहे पर भी देखिए, वहाँ पर दुकान लगा हुआ है, इधर भी दुकान लगा हुआ है। सामने अगर हम आपको दिखाएँ तो इधर भी चाय की टपरी लाइन से अगर आप देखेंगे तो चाय की दुकानें लगी गई हैं, और इन चाय की दुकानों पर नेता हों, अभिनेता हों, चाहे बड़े बड़े लोग हों, वो आते हैं, चाय पीते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन पटना नगर निगम की कहीं गुंडागर्दी जो है वो आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, किस तरह से सामान को उठाया जाता है, फेंक दिया जाता है, कितना दिक्कत होता है। नगर निगम वाले आते हैं और सामान को फेंक के तहस नहस करके चले जाते हैं। नगर निगम में दिन भर में आते हैं और टर्न करके चले जाते हैं, और ऐसे तो हम लोग 40 साल से हम दुकान आज तक ऐसा हम नहीं देखे हैं, और रोज़ आ रहे हैं, रोज़ हटाओ बढ़ाओ 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 कर रहे हैं, सुर से कमा नहीं सकते हैं, बाल बच्चा का पढ़ा भी नहीं सकते, लिखा नहीं, खुद पेट हमको नहीं पल पा रहा है। सामान भी लूट लेते हैं? हाँ, सामान उठा लेता है, फिर उसके बाद पैसा फाइन करता है, उसके बाद पैसा सामान देता है, उसके बाद सामान देता है। हाँ, मतलब फाइन पैसा ले लेता है, उसके बाद सामान फिर दे देता है। हाँ, चलिए देखिए किस तरह यह खेल चलता है, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है कि फिर से पटना नगर निगम के द्वारा जो यह काम किया जाता है, कितना दिक्कत होता है दुकानदारों को? बहुत दिक्कत है दुकानदारों को, इससे है कि रोजी रोटी है इन लोगों का चल रहा है, वो सब खत्म हो गया, जो भी बेचारे खरीद को पूंजी लगा कर रखे हुए हैं वो जबरन उठा कर गाड़ी में फेंक देता है और लेकर चला जाता है। अभी फिर हुआ जाते हैं तो कहते इतना पैसा लाओ, तब सामान तुमको देंगे। अच्छा, शिकायत ये है कि पटना नगर निगम का कोई अधिकारी उसमें शामिल नहीं होता है, गुंडे शामिल होते हैं। नहीं, अधिकारी कोई शामिल इसमें नहीं है, सब उसमें गुंडा तत्कर आदमी रहता है, और वो लोग जो है इस तरह के काम करता है और धमकी भी देता है कि आइंदा अगर यहाँ पर लगाओगे तब भी उठा कर फेंक देंगे दूसरा जगह। चलिए, और भी दुकानदार हैं, अभी दुकानदार हैं। कितना दिक्कत होता है, नगर निगम के लोग आते हैं, फेंक फाक के सामान चले जाते हैं, फेंक फाक के सामान लेकर चले जाते हैं, और जो माल जब्त करते हैं रिसीवने के बाद माल जो कहते हैं कि यही तुम्हारा माल है अपना ले जाओ, उसमें से माल चुरा भी लेते हैं। हाँ, माल खत्म भी हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए किस प्रकार खेल चलता है, सामान ले लिया जाता है, रिसीविंग भी नहीं दिया जाता है, पैसे भी ले लिया जाता है, सामान को भी चुरा लिया जाता है। कितना बड़ा खेल पटना नगर निगम के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, और जिस प्रकार से दुकानदारों को परेशान करना, जिस प्रकार से दुकानों को हटा देना, महिला हैं आप, कितना दिक्कत होता है नगर निगम वाले आते हैं तो? बहुत दिक्कत होता है। सरकार से क्या चाहिएगा? सरकार से यही चाहेंगे कि गरीब आदमी के दुकानदारी में डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, लाइसेंस बना है, कोई काम के लाइसेंस नहीं। लाइसेंस बना हुआ है? हाँ, कोई काम के नहीं, कोई काम का लाइसेंस नहीं। जी बताइए, जगह का भी नाम दिया हुआ है सचिवालय में, तुम्हारा दुकान है, लाइसेंस है, कोई निगम वाला आएगा तुम बोले आइडेंटिटी कार्ड दिखा देना तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं मानता है। अगर वो निगम वाला मेरे दुकान खोलने के लिए 10,000 रुपया दिया है लो बिजनेस करके, और मेरे पैसा चुकता कर देना, वो धीरे धीरे पैसा कैसे करके बैंक वाला पैसा अपना चुकता हम कर रहे हैं,
पेट काट रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम भूखे रह रहे हैं। अभी देखिए दुकान पर अपना भात और रोटी बनाकर नमक रोटी खा रहे हैं। देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन भी तमाम दुकानों का हो चुका है, पर पटना नगर निगम की जो गुंडागर्दी है वह साफ तौर पर पटना के साथ साथ और भी जिलों में दिखती है। और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि नगर निगम जब आता है तो क्या कितना दिक्कत होता है। अभी दुकानदार हैं, कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो होवे करता है, बहुत दिक्कत होता है। जैसे आया था सारा सामान हटाना फटाना में दिक्कत होवे करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पटना नगर निगम के अधिकारी मौजूद नहीं होते, साथ में नहीं होते हैं, कुछ गुंडा तत्व के लोग होते हैं जो सामान वामान फेंक देते हैं। मतलब जैसे प्रशासन के लेके साथ चलना चाहिए, उससे नहीं सब चलते नहीं चलते हैं। नहीं, अपने सब चलता है। गाड़ी गड़िया पर मुखड़वा कचू कोची नाम है, डीसीडी उसी पर चलता है सब। और देखिए कुछ देर पहले का दृश्य आपके स्क्रीन पर भी चल रहा हुआ, किस तरह सामानों को जेसीबी में लादा जाता है और फिर दुकानदार जो है मिन्नत कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारा सामान लौटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं यह खेल जो है पटना में चल रहा है, और साथ ही साथ पटना के साथ साथ पटना के विभिन्न जगहों पर, जैसे बिहार विधानसभा एकदम सटा हुआ है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये बिहार विधानसभा का यह दीवार है और बस ये सटा इलाका है, और इस इलाके में कहीं ना कहीं पूरी जगह देख सकते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन भी, ये दुकानदार कह रहे हैं कि हम लोग की रजिस्ट्रेशन भी हुई है, और किस तरह से इन दुकानदारों को परेशान किया जाता है और किस तरह से इन दुकानदारों को दुकानदारों से जो है पैसे उगाही की जाती है, इसका खेल निरंतर चलता रहता है। देखिए दृश्य वहाँ का था जहाँ की दुकानें जो हैं फिर से लग गई हैं, और इन दुकानदारों को साथ ही साथ चाय की टपरियों को भी परेशान किया जाता है। तो क्या लगता है यह खेल, इस खेल को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है? क्या इन दुकानदारों को एक उचित जगह मुहैया कराने की आवश्यकता है जिनसे इनको परेशानी ना हो या रोज़ इस परेशानी से गुजरते हैं? तो भारत लाइव में तमाम खबरों के लिए भारत लाइव देखते रहें, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।